on our screen. Hope you everyone enjoying good day. It's sunny in Sweden. It's lovely day, and we are on the way towards the biggest superstore in Sweden. You can say Gangastic store. मैं सब दोस्तों से जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. तो आपके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो आज लाया हूँ मैं लाइव फ्रॉम उलारेड जी को उलारेड. ऑल तमाम वो लोग जो स्वीडन में रहते हैं ये यूरोप में रहते हैं उन्होंने उलारेड का नाम सुना होगा. स्वीडन का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल उलारेड. टोटल एरिया इसके बारे में चंद फैक्ट्स है इससे पहले कि मैं वीडियो वहाँ से लाइव शॉर्ट करूँ और आपको दिखाऊँ मैं चंद फैक्ट्स बताता चलूँ. उलारेड फाल्कनबरी कम्यून के अंदर है जो कि हालांद प्रोवेंस में है. उलारेड इतराम से 17 किलोमीटर और स्वेलियुंगा से तकरीबन 25 किलोमीटर है. आप रोड 27 जो गोथनबर्ग से आती है या ब्रोस से आते हैं या 153 156 ये सारी उलारेड आती हैं. उलारेड में गाड़ियों की पार्किंग की कैपेसिटी जो है वो 20,000 की है. उलारेड का टोटल जो एरिया रकबा है इस कवर्ड एरिया है जो शॉपिंग मॉल का सुपर स्टोर का ये शॉपिंग मॉल नहीं है सॉरी सुपर स्टोर वो है 40,000 स्क्वायर मीटर. सबसे ज़्यादा सेल है एक दिन की जो हुई है वो 9 अक्टूबर 2019 को हुई है 40 मिलियन क्रॉन. आप कह लें 1 मिलियन क्रॉन जो है वो पाकिस्तानी रुपयों में अगर उसको डिवाइड करें तो 1,80,00,000 रुपये बनता है. तो आप अंदाज़ा लगाने 40 मिलियन क्रोनर स्वीडिश क्रोनर और एनुअल टर्नओवर अगर देख बात की जाए तो टोटल इसमें 750 लोग काम करते हैं. हर 20 मिनट के बाद एक ट्रक यहाँ पे सामान का बिक जाता है. एनुअल टर्नओवर जो है उलारेड का वो है 5.6 बिलियन स्वीडिश क्रोन 5.6 बिलियन और स्वीडिश लैंग्वेज में मिलियार्ड कहते हैं. आप उसको ज़रब दे लें अपने पाकिस्तानी रुपये से कि एक दिन की रिकॉर्ड जो सेल है वो 40 मिलियन है इसकी. और सबसे ज़्यादा जो लोग आए थे वो 9 नवंबर 2019 को एक दिन में रिकॉर्ड लोग आए हैं 29,900 लोगों ने शॉपिंग की है. एवरेज लोग जो 64% वुमेन और 33% मैन शॉपिंग करते हैं यहाँ से. यहाँ दुनिया की हर चीज़ एक ही छत के नीचे तमाम ब्रांड नॉन ब्रांडेड आपको स्मॉल प्रोडक्ट्स लेके कॉस्मेटिक से लेके खेलों का सामान और कोई चीज़ भी वो उलारेड से अवेलेबल है. तो आइए हम चलते हैं सबसे बड़े स्वीडन के माल उलारेड में. आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो आपको ये तमाम लोगों के लिए जो उलारेड नहीं आए आई लव उलारेड कम टू उलारेड इट्स नाइस प्लेस टू मीट एंड ईट हैव रेस्टोरेंट्स इनसाइड शॉपिंग मॉल इनसाइड सुपर स्टोर यू कैन पार्क. 28 जुलाई 2019 को यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा लें कितने विजिटर थे कि 1.4 किलोमीटर तक लाइनें लगी हुई थी गाड़ियों की और लोगों की और एवरेज हर फैमिली यहाँ पे 3,300 स्वीडिश क्रोन खर्च करती जब वो इधर आती है. यहाँ लोग मोस्टली अब बहुत से होटल मोटल और यूथ हॉस्टल एवरेज कैपेसिटी इसके सराउंडिंग में जितने कम करीब करीब टाउन्स हैं उन सब की जो अगर देखी जाए तो वो तकरीबन 3,000 लोगों की डेली है जो सोते हैं यहाँ पे. एक अंदाजे के मुताबिक न्यूज़पेपर में ये आया था जब कोरोना ने शुरू शुरू में अटैक किया था तो जीगोस उलारेड ने 9 मिलियन डेली उनका लॉस हो रहा था. यहाँ हर साल हर दिन तकरीबन एवरेज 127 बसें आती हैं लोगों को दूसरे शहरों से लेके. इसी तरह जर्मनी से नीदरलैंड से दूसरे मुल्कों से टूरिस्ट आते हैं और वो अपने हुसवागन साथ लेके आते हैं और अपनी गाड़ियां जो यहाँ सामान भर के ले जाते हैं. स्वीडन के अंदर आपको कभी भी शॉपिंग करनी है बेहतरीन प्राइस में और अच्छी क्वालिटी में तो उलारेड से अच्छी कोई आपके लिए ऑप्शन नहीं है. आइए चलते हैं उलारेड की पार्किंग में और फिर उलारेड के अंदर. देख सकते हैं उलारेड की पार्किंग में रश है सर. हमें बड़ी मुश्किल से पार्किंग मिली है 20 मिनट घूमने के बाद. हमने चार फेरे घूमे हैं उलारेड के चारों साइडों पे
और बड़ी मुश्किल से पार्किंग हासिल की है। आपको तो हद दिन का गाड़ियाँ गाड़ियाँ नज़र आती हैं। ये सिर्फ आउटसाइड की पार्किंग है, इसके बाद ये इन मोस्ट पार्किंग है जहाँ पर 500 गाड़ियों की हर फ्लोर के, और उसके कई फ्लोर हैं। ये मैं चारों तरफ से आपको दिखा रहा हूँ। अब हम ट्राली लेते हैं यहाँ से शॉपिंग के लिए। यहाँ टोटल जो इसके ये ट्राली सेंटर हैं जहाँ से हमें ट्राली लेते हैं शॉपिंग के लिए, ट्रॉली के लिए 25 पॉइंट हैं एक एक पार्किंग प्लेस में। हम जीको सिलारेट की एंट्री में पहुँच चुके हैं। इस वक्त बहुत ज़्यादा रश है, लेकिन मैं लोगों के चेहरे ही दिखाना चाहता हूँ, मैंने यूट्यूब पर डालनी वीडियो, इसलिए मैं आपको सिर्फ इसके ओपनिंग आवर्स और इंट्रेंस दिखाता हूँ। जीको सिलारेट मैं कोशिश करूँगा किसी का भी चेहरा मैं इसमें ना दिखाऊँ, ताकि किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो मेरी वीडियो बनाने की वजह से। इंग्लिश लैंग्वेज में कहते हैं इंगो का अंदर जाने का रास्ता, तो मैं सिर्फ वही दिखाऊंगा आपको। इंगो में किसी का लोगों के चेहरे और लोग जाते रहे सारा, तो मैंने ये बता दी। तो ये कॉमन कस्टमर के लिए हैं, तो भी यहाँ से लोग लेते हैं सामान, देखिए बस प्रॉब्लम नहीं है, तो उनका थोड़ा बहुत अच्छी सामान खरीदना तो कस्टमर इंटरेस्ट से ले सकते हैं। यहाँ से हम शुरू करते हैं। इस वक्त हम उल्ला रेड के अंदर हैं। एक ही छत के तले हर चीज़ अवेलेबल है। ये है कॉस्मेटिक्स का सेक्शन, और मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है कि मैं इसको अवॉइड कर सकूँ लोगों के चेहरे, इसी में कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ लोग ना हो उस साइड पे ज़्यादा जाएं, लेकिन फिर भी इट्स नॉट इजी। Thank you.
ये अभी तक हम कॉस्मेटिक से परफ्यूम और इन चीज़ों में हैं। विंटर क्लॉथ, समर क्लॉथ, जैकेट्स, बेयर्स जीन्स, जैक एंड जोन्स, फीमेल क्लॉथ्स। हम लोग पासिंग करेंगे थोड़ा सा जल्दी से इसको, क्योंकि बहुत बड़ा है और हम लोग मे बी आपको सारा नहीं दिखा सकेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे जितना दिखा सकते हैं वो दिखाएँ। हम हतलबसा कोशिश करेंगे कि किसी का चेहरा, किसी की आइडेंटिटी इसमें ना आए, ताकि कोई हमारे वैसे किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। Thank you.
कई फ्लोर हैं, ऊपर नीचे। करता हूँ कहीं से आपको ऊपर का सीन दिखाऊं। अगर हम ऊपर जा सकें सेकंड फ्लोर पे या डाउन जा सकें बेसमेंट में, हम ट्राई करते हैं। तो मैं कंस्ट्रक्शन अभी ख़त्म नहीं हो रहा है। रेन जैकेट, सन जैकेट सब मिल रहे। तो हम लोग अभी कोशिश करते हैं नीचे जाने की। रिफ्लेक्सर है रात में सफ़र करने के लिए। अगर रात को आप बाहर जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि पता है आपको स्वीडन में और स्कैंडिनेविया में अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, रात को जॉगिंग करते हैं बाहर, तो आपके लिए आपको चाहिए कि आप अपने रिफ्लेक्सर आपके जिस्म पे लगाओ। ग्लव्स, वर्किंग ग्लव्स, वर्किंग क्लोथ्स। गॉड की मशीन है। टूल्स, लॉक, वर्किंग टूल्स, आरी, हर चीज, प्लम्बिंग के टूल्स, वॉलपेपर्स, ब्यूटीफुल वॉलपेपर्स और आपके घर की कॉमन चीज़ें, हीटिंग, लाइट्स, पेंट्स, ब्रश। आपकी गाड़ियों के लिए, आपके जानवर के लिए हर चीज़, वाइपर्स। जानवरों के लिए, आपके परिंदों के लिए आपके घर में फूड, नेचर गुडीज ले लेते हैं। हम भी अपने गार्डन में अपने बाहर चिड़ियों को देंगे।
आपके खरगोशों के लिए, चिड़ियों के लिए, जानवरों के लिए। डॉग्स, कैट्स, फूड के लिए उनके बर्तन, जानवरों के लिए फूड, पेट्स के लिए। एवरीथिंग फॉर डॉग्स। Go to care section. यहाँ हर चीज़ कैट के लिए है। आपके कैट को सैंड चाहिए, फूड चाहिए, जो मुझे मैंने भी खरीदनी है कम से कम दो थैले कैट फूड। तो यहाँ पे कैट रुकर टेक टू दो तो हम लोग भी अपनी कैट के लिए दो पैकेट फूड के ले लेते हैं, क्योंकि वैसे तो एक मिलता है अगर स्टोर से जहाँ तो एक किलो का 49 का, यहाँ पे 7.5 किलो है जो वो 149 का। आपको क्लीनिंग केमिकल चाहिए हैं घर के लिए, बाहर के लिए, हॉर्सेस के लिए। आपको हॉर्सेस का शौक़ है तो हर चीज़ हॉर्सेस के लिए अवेलेबल है यहाँ पे। हॉर्सेस के पूरा जितना उनके लिए स्टॉक है, उनकी हॉर्स राइडिंग का जो लोग शौक़ रखते हैं, हॉर्स राइडिंग के क्लोथ्स, या फिर आपके कैट्स के लिए हर चीज़, क्लैथरिंग, जो भी आपने खरीदना। अगर आपको पेट्स का शौक़ है तो आप स्वीडन में यहाँ से ईजिली खरीद सकते हैं। अगर आपको हॉर्सेस का शौक़ है तो वो खरीद सकते हैं। शूज, क्लोथ्स, ग्रिल, यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ आपको कि मैंने बहुत ही डिसिप्लिन देखा है। लोग एक दूसरे के बिल्कुल करीब नहीं है, 2 मीटर से ज़्यादा वहाँ वो फंसता रख के शॉपिंग कर रहे हैं। अगर लिफ्ट में जाते हैं ऊपर नीचे तो सारे लोग एक दूसरे से डिस्टेंस ला रख के जा रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि कैसा के साथ क्या सिस्टम है, वहाँ पर कैसी सिचुएशन है। तो वहाँ पर तो कोई ऐसा मैंने नहीं देखा डिज़ास्टर, यहाँ पर लोग ज़्यादा एक दूसरे के करीब हों। हम सारा तो नहीं घूम सकेंगे क्योंकि हमने वापस भी जाना है, यहाँ से 2 घंटे की ड्राइव है हमारा घर भी, लेकिन ये कि हम लोग कोशिश करें ये भी हम सारा नहीं घूम सकेंगे, लेकिन जितना मैक्सिमम हम देख सकते हैं वो हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि हमें भी वापस जाना है, हम लोगों ने 2 घंटे ड्राइव भी करनी है। स्पोर्ट्स एरिया, फुटबॉल से ले कर स्क्वाश, टेनिस, एवरीथिंग, हैंडबॉल, ett kundmeddelande. Tillsammans kan vi minska risken för spridning av coronaviruset. Coronavirus के नॉर्म्स में देखें, हम इसको कम कर सकते हैं अगर हम डिस्टेंस रखें, लेकिन मैं बहुत ही अच्छा डिसिप्लिन देखा है। यहाँ पे अगर इस वक्त 20,000 लोग अंदर हैं तो सारे लोग डिस्टेंस रख के एक दूसरे से तो शॉपिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कोई भी एक दूसरे के करीब नहीं जा रहा है यहाँ पे।
सारे लोग एक दूसरे से एटलीस्ट 2.5 मीटर का डिस्टेंस रख के शॉपिंग कर रहे हैं। नेट, फुटबॉल, बैडमिंटन रैकेट्स, पैडल, टेनिस रैकेट, साइकिल लॉक्स, बैंड्स, कैप्स, इलेक्ट्रिक साइकिल्स, एयर स्कूटर्स, ऑल एनीथिंग इन स्पोर्ट, हेलमेट, यू कैन फाइंड एवरीथिंग व्हाट एवर यू वांट। आइस स्केटिंग, मद्रास फॉर आइस स्केटिंग, फॉर स्नो, स्नो स्कूटर्स, हेडफोन्स, पाउडर, पाउच अपने लिए स्नो सुनना कुछ वो। यहाँ मैं एक बात बताऊँ, यहाँ हर चीज़ है, कीमत स्टार्ट होती है 50 से, 40 से, 20 से, 10 से और आगे जितनी 1000 तक आप देखें वो भी मिल जाती है। अगर आपको म्यूज़िक मिनी सिनेमा का घर में है तो आप म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट ले सकते हैं यहाँ से। सो बल्कि आपको कोई भी चीज़ चाहिए आपके चिल्ड्रन रिलेशन घर के लिए, फिर माइक्रोफोन, साउंड एजेस, ब्लूटूथ होल थॉलर, सीडीज, प्रेजेंट पेपर्स, ये बहुत ही बड़ा है, हम लोग सारा नहीं देख सके। मेरे फोन तो खुद चल चल के अभी तक पागल हो रही है, ठीक है, लेकिन मैं हम कोशिश करें कि आपको इसका थोड़ी सी हर चीज़ की झलक दिखा लें ताकि आपको नॉलेज, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स घर के चाहिए, फैंस, एयर कंडीशन, साउंड, डिजिटल सिनेमा, क्लीन मेट, रिबूट जो है, वैक्यूम क्लीनर जो क्लीन करती है खुद को खुद आपके घर को, इससे आपको चाहिए सिक्का, इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई भी चीज़ है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन से हम वापस चलते हैं स्टेशनरी सेक्शन में। पेन, पेंसिल्स, टेप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, जूस मशीन्स, वेट मशीन्स, कुकर, प्रेशर कुकर आपको जितने चाहिए, राइस कुकर, प्रेशर कुकर, फूड के लिए आपको जो भी चाहिए, स्लो कुकर, कॉम्पैक्ट कुकर, सिर्फ 400 ग्राम का स्लो कुकर यहाँ आप ले सकते हैं, 349 का भी लगा हुआ है वो भी ले सकते हैं। यहाँ पर रेस्ट एरिया में सिर्फ बैठना आपको दिखा रहा हूँ किस तरह में पार्क नहीं है, कितनी लंबी लाइन बैठने के लोगों में पार्क नहीं बैठ, सारे लोग जो इस वक्त रेस्ट एरिया में हैं। जूसर, आपका सलाद कटर आपको मिल सकता है,
यहाँ से सलाद का ट्रप ले लें, आपको मिल जाएगा 279 में। ऑटोमेटिकली हर चीज़ डालें, वो काट के आपको फिगर बना के उसके छोटे पीसेस में दे देता है। ठीक है, चिकन फ्रायर सोडा वाटर अपने घर में सोडा वाटर मशीन का नहीं, ये मशीनें पड़ी हैं सोडा वाटर की, सामने जूसर हैं ग्राइंडर हैं। ठीक है, ये सोडा वाटर की मशीनें हैं डिफरेंट, आपने जौन सी भी लेनी है और जौन सा फ्लेवर आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं सोडा वाटर का। मिक्सर चाहिए आपको म्यूज़िक सुनने के लिए, माउस चाहिए प्रैक्टिकल, कोई चीज़ भी आपको थैलर चाहिए। हम थक गए हैं तकरीबन, लेकिन मैं आपको बच्चों का सेक्शन ज़रूर दिखाऊंगा, या बच्चों के लिए हर चीज़ अवेलेबल है, लेगो से लेके जितने ब्रांड हैं सब का सामान अवेलेबल है। लेगो स्पेल प्लस प्लस गन्स वाटर गन्स वेरी चीप, बच्चों के टॉयज बहुत ही सस्ते हैं यहाँ पे, और हर ब्रांड के टॉयज हैं इनके पास, और हर चीज़ है, आपको कोई भी चीज़ चाहिए यहाँ से आप ले सकते हैं। छोटे बच्चों से लेके बड़ों हैं, मैं जैसे आपको बताया कि हमें ये नामुमकिन है हमारे लिए कि हम एक दिन में इसे मुकम्मल करके वापस जा सकते हैं। ठीक है, बच्चों के क्लोथ्स का स्टोर, मैं कभी कभी चेहरे वाइट करने के लिए अपना कैमरा नीचे कर लेता हूँ, तो आपको समझना चाहिए कि यहाँ पे मैं ना उनकी आइडेंटिटी हाइड कर रहा हूँ, किसी को अपनी वीडियो में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कोई भी बंदा वीडियो के अंदर ना आए किसी का चेहरा स्पेशली। लेकिन फिर भी ना चाहते हुए बहुत से मैं उनके लिए मदद पाऊँ जिन लोगों के चेहरे साथ में ही हैं। होम डेकोरेशन इंटीरियर बल्ब्स फूड एरिया है यहाँ, आपके देख सकते हैं नूडल्स, तमाम नूडल्स पूरी दुनिया के नूडल्स, सारा फूड एरिया है, इसके अंदर आपको हर चीज़ मिलती है, होनी नूडल, ये सारा नूडल्स हैं। कासे के करीब सारे जितने वो फूड एरियाज हैं, राइस हैं और नूडल्स, काफ़ी मैक्रोनी, लोग आते हैं अपने दो दो महीनों तीन तीन महीनों का सामान इकट्ठा लेके चले जाते हैं। तो कासम के ऊपर आप सिचुएशन देख लें, मैं
कोशिश कर रहा हूँ किसी का चेहरा ना हो, इस तरह को दिखाने के लिए हर कासी के ऊपर दो दो मीटर खड़े हो रहे हैं दूर। जैसे मैंने बताया अभी कि आपको यहाँ पे टोटल जो कासे हैं वो हैं 82 प्रेशर स्पेसेस ऑन है, और 82 पे भी लोग लाइन लगे कि क्योंकि इनमें इनकी जो कोरोना की वजह से है वो ये उसने आपके जो गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड डिफाइन किए हैं तो उनकी वजह से उनको ये फॉलो कर रहे हैं लोग सारे। तो कोई भी बंदा जो है ना दो मीटर से सारे कैशियर से जिन पर लाइनें लगी हुई सकते हैं 82 कैश रजिस्टर हैं टोटल और सारे फोर लाइन से रनिंग कंडीशन में हैं, एक भी कैश रजिस्टर बंद नहीं है। और कह लें कि अगर हर कासी के ऊपर लाइन है और दो दो मीटर पे भी लोग खड़े हैं तो फिर भी बिना वो कहाँ तक आधे किलोमीटर तक सिर्फ कैश रजिस्टर हैं जहाँ लाइटें नज़र आ रही हैं आपको। मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि तमाम दोस्त मेरी इस वीडियो को बेहद पसंद करें, अगर आप ऑक्सीजन के अंदर हैं तो आप इस माल के जो शॉपिंग एरिया है सुपर स्टोर का उसको ज़रूर विज़िट करें। बहुत ही सस्ता, बहुत ही बड़े रेस्टोरेंट्स, हर चीज़ आप इंजॉय करते हैं, कोई से लेकर आपको जो भी चीज़ चाहिए हर चीज़ आपको एक छत के 40,000 स्क्वायर मीटर, आप कह रहे हैं 40,000 स्क्वायर मीटर का स्टोर है, इसके अंदर हर चीज़ आपको मिल जाएगी। 82 इसके कैश रजिस्टर हैं। मैं तमाम दोस्तों से कहता हूँ कि मेरी वीडियो को पसंद करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह जैसे ही कोरोना ओवर होता है मैं पूरे यूरोप के तमाम मुल्कों से, वेस्टर्न यूरोप के आपको और ईस्टर्न यूरोप के मुल्कों से वीडियो ला के शेयर करूँगा आपके साथ, यहाँ की लाइफ कल्चर हर मुल्क का। यहाँ 750 लोग काम करते हैं और 82 कासा है और मैक्सिमम एक दिन की सेल है 40 मिलियन क्रॉन, और ज़्यादा से ज़्यादा जो एक दिन में रिकॉर्ड है लोगों का वो है 29,000। अब तक यहाँ से हम लोग कैश पे करने जा रहे हैं अपने कासे के ऊपर अपने सामान के लिए। तो अल्लाह हाफिज़। आप यहाँ पे देख सकते हैं कासे के ऊपर हमें केवल पिछले 20 मिनट से हम खड़े हैं, हमारी बारी नहीं आ रही अभी। हम लोग इवन के 2 मीटर का डिस्टेंस रखते तमाम जो इसके कैश रजिस्टर हैं वो सारे फुल हैं। 34 नंबर कासे में टोटल 82 कासे हैं इसके। तो आप यानी कि अगर शुरू से हम स्टार्ट करें तो वहाँ पे बच्चों का सामान वहाँ से शुरू होते हैं, लेकिन आप कह लें कि मोर देन 1 किलोमीटर पे इसके सिर्फ कासे हैं जो ऑपरेट करते हैं। कहना होगा कि ये जो स्टोर था ये 1863 में शुरू हुआ था, स्वीडिश ने शुरू किया था। और आप देख सकते हैं कासे कैश रजिस्टर्स के ऊपर इस वक्त रेस्ट, हम लोग भी काफ़ी देर से लाइन में खड़े हैं कास्ट नंबर 34 पे। तो क्योंकि हर बंदे की टोपी जो है वो फुल है, हर तरफ लोग ही लोग हैं, लेकिन लोग 2 मीटर का डिस्टेंस रख के सारे खड़े हो रहे हैं। तो मैं लेंथ अपने लेफ्ट साइड पे देखूँ तो जितने कासे हैं दूर दूर तक उनके नंबर आ रहे हैं, और इधर हैं 31 और 32 और 34 हमारा आ गया, हम इस पर वेट कर रहे हैं। और फिर आगे दूर दूर तक आप जितनी दूर देख सकते हैं वो खड़े हैं, तमाम लोग वीडियो पसंद करें, कमेंट्स करें और जरूर विजिट करें जो स्वीडन के अंदर हैं पूरा रेड को लगा है। अब हम लोग जा रहे हैं, हमने कासे पैसे पे कर लिए हर 25 मिनटों के बाद, और हम लोग कंट्री से बाहर जाते हुए अब हम बाहर निकले हैं उलारेट से। इस वक्त सूर्य तकरीबन गायब हो चुका है, जब हम आए तो सूर्य था, तो अब हम आपको घर का रास्ता लेने लगे हैं, तो बता रहा हूँ बाहर का इन्वायरमेंट है। लाइट ऑन होने वाली सूर्य टच है यहाँ पे ना, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों के चेहरे या किसी का ना नजर।
अब हम वापस जाने लगे हैं तो मैं आपको पार्किंग का एक मंजर दिखाता हूँ। अब शाम हो गई है तकरीबन, इस वक्त भी आप कह सकते हैं 20,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ पार्किंग में मौजूद हैं। और ये मीलों तक फैली हुई पार्किंग है, ये नहीं कि एक पार्किंग एक दो एकड़ में क्या छोटी सी, ये अंदर का हाल भी आप देख सकते हैं फुल है।